हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीएसटी में। कई लोगों को इस चीज़ का डाउट होता है कि सर, अगर हमारा कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, अगर हमारा कोई फैमिली का बंटवारा हो रहा है, अब उसमें घर की भी चीज़ें आती हैं, बिजनेस की भी चीज़ें आती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इसे क्लियर? तो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट्स का या गुड्स का या स्टॉक का, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, तो क्या सर उस पर भी जीएसटी अप्लाई होगा? है ना क्वेश्चन ये? तो फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड कई लोगों की ये क्वेरी आती है। चलिए मैं आपके सामने पहला पॉइंट रखता हूँ कि एक सेक्शन है, सेक्शन 7, जिसमें बताया गया है स्कोप ऑफ सप्लाई। उस सेक्शन सेक्शन 7 में हमें स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया। अब स्कोप ऑफ सप्लाई में जब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी, तो सप्लाई का मतलब हमने यही जाना था, सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज जो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में होती हैं, नॉर्मली देखा जाए तो उसको सप्लाई कहते हैं, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। लेकिन कहा गया था ये 3 शेड्यूल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। सेक्शन 7 ने ही बताया कि शेड्यूल 1 में उन चीजों को लिस्ट डाउन किया गया जहां पर कोई कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई मान रहे थे। ये शेड्यूल 1 ने बोला कि एवन दो विदाउट कंसीडरेशन, इफ द सप्लाई इज विदाउट कंसीडरेशन, एवन दो इट वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई अंडर द जीएसटी। सेकंड, मैंने बताया था कि ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, जिसमें ट्रांसफर के लिए बताया गया, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बताया गया, ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए बताया गया, एंड बिजनेस एसेट्स के बारे में बताया गया, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के बारे में बताया गया, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखिए तो जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने पॉइंट आउट की है, रखी है, वो शेड्यूल 2 से रिलेट करती है और शेड्यूल 2 का पॉइंट नंबर 4 उसी को ही गवर्न करता है। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूल 3 कहता है कि ये वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे, जीएसटी बोलता है कि हम नहीं मानेंगे कि ये सप्लाई है। तो भले ही आपको लगता वो है, लेकिन शेड्यूल 3 उसको मना कर देता है। शेड्यूल 1 कहता है कि अगर आपका विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। शेड्यूल 2 कहता है कि ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको, एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन हैं जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानते हैं। तो उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें पॉइंट नंबर 4 है, एंट्री नंबर 4 है। हम अभी उसी एंट्री नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। ये एंट्री नंबर 4 कहता है शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी, द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई। अब इसमें ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स बात करें। अब मैं अगर आपको ये सब पढ़ करके सुनाने लगा तो आप ये कहेंगे सर आपने बिल्कुल जो होता है ना टेक्निकल लैंग्वेज बता रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू क्लियर विद टेक्निकल लैंग्वेज, आई विल मेक यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन अ सोफिस्टिकेटेड और लेमन लैंग्वेज। क्या है ये सिस्टम? आप केवल इतना दिमाग में रखिए कि अगर आप कोई सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस के लिए करते हैं, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दीज टू कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई सप्लाई करते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है ऑलरेडी कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के लिए या बिजनेस के सपोर्ट में उसकी एंसिलरी या ऑक्सिलरी सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें देख चुके हैं। चलिए, तो अब यहां पर बिजनेस की बात आई, तो क्या हमारा फैमिली सेटलमेंट हो रहा है तो क्या वो बिजनेस है? नहीं सर। तो फैमिली एसेट से रिलेटेड अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर योर जीएसटी सिस्टम। बट एज फार एज द मैटर इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू योर बिजनेस एसेट्स और स्टॉक, यस इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई। अगर आपकी बिजनेस एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिजनेस स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई एंड यस द जीएसटी शैल अप्लाई। दोनों में फर्क समझ में आया? मान लो मेरे घर का बंटवारा हो रहा है, उसमें मुझे कुछ फैमिली एसेट्स मिली। फैमिली एसेट्स ऐसी एसेट्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नो एनी जीएसटी शैल अप्लाई ऑन दैट, बट यस
कोई हमारा फैमिली बिजनेस था वो भी बंटवारे में आया और उस पर मेरे को कुछ एसेट्स मिल गई, देन यस जीएसटी शैल अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर और सप्लाई और ऑन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो ये चीज आप याद रखेंगे इसको। इफ एच यू एफ इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड इफ द बिजनेस कम्स टू एन एंड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ एच यू एफ और अदरवाइज एंड द एसेट्स आर पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैमिली मेंबर्स, देन सच डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द अबव एंट्री नंबर 4। क्योंकि जब जब हम एंट्री नंबर 4 पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें क्लियर होती हैं। पहली कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड, पहली चीज। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई बंदा अब तक टैक्सेबल है यानी उसका बिजनेस है, अब वो टैक्सेबल नहीं रहा यानी अब वो जीएसटी के दायरे के बाहर जा रहा है, तो जो अब तक जीएसटी के दायरे में था वो जीएसटी के दायरे के बाहर जा रहा है तो ये अपनी एसेट्स भी लेकर के ही जाएगा, तो उस केस में वो मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन याद रखेंगे इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो ये कि अगर एज अ गोइंग कंसर्न वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। बस इतना याद रखिए, गोइंग कंसर्न के केस में हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते यानी उसको ट्रांजेक्शन को सप्लाई की कैटेगरी में नहीं ले आते। मेरा बिजनेस चल रहा है, हम अपने कंप्लीट बिजनेस को दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, तो वहां पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा ऐसे ट्रांजेक्शन पर। दैट्स इट। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करते हैं कि जो कई लोग हमको कॉल कर रहे थे बीच में, ऐसे में 2-3 कॉल्स हैं जिन्होंने अपनी इस तरह के प्रॉब्लम्स रखे थे, नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर। तब तक के लिए चाहते हैं, बाय बाय, थैंक यू।